अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की दुआ से मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। जैसे कि शाम का टाइम हो रहा है और अभी हम लोग सो गए थे दोपहर में, जस्ट अभी उठे हैं। तो मैंने बोला अरे मैंने तो ब्लॉग बनाई नहीं सुबह से, तो चलो फिर मैं बोले चालू कर देते। तो मैंने यहाँ से ब्लॉग बनाना चालू कर दी। बज रहे सात हो रहे, हाँ सात बजे का टाइम है। और अभी मैं यहाँ आई हूँ चाय बनाने, क्योंकि सपा सोयल साहब मैं सब सो गए थे आज। तो कभी कभी होता ना, तो बस थोड़ी बहुत बारिश आ रही थी, मतलब बारिश तो ऑलरेडी आ ही रही है, उस वजह से इतना ठंडा मौसम हो जाता है जिसकी वजह से नींद आ जाती। तो हम लोग सो गए थे, तो फिर बस मैं उठी हूँ, अभी नीचे आई, बस मुँह धोई हूँ, देखो मुँह देख सकते हैं आप लोग। और अभी जा रही चाय बनाने, तो मैंने सोची चलो अपना ब्लॉग चालू कर देते हैं। तो बस मैं अपना ब्लॉग चालू कर दी। अभी सपा देखो उतर के आई है, धड़ धुड़ कर रही है, आपको बता देती हूँ। ये देखिए सभा आई है, सभा इसके लिए आई है, मुझे पता क्यों आई है। वो बोली ला मैं चाय बनाने जा रही, लेकिन उसको नहीं पता कि मैं ऑलरेडी मैं यहाँ आ चुकी हूँ। तो अभी मैंने चाय चढ़ाई भी नहीं हूँ, बस यहाँ मेरी कोको के लिए मैंने बता दी थी आप लोग। ये कोको के लिए दूध निकाल के रखी हूँ, क्योंकि वो चिल्ला रहा और ये दूध बहुत ठंडा है, क्योंकि फ्रिज में रखा था। तो हाँ पप्पू, तो बस इसको मैं दूध दे दूंगी, थोड़ा गर्म हो जाएगा और मैं अभी चाय चढ़ा देती हूँ। तो चलिए फिर। तो इधर 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 क्या हुआ, ये देखो ये कैसा मेरे पास ही पैर पैर के पास आता है। इधर क्या हुआ, भूख लगी, देखती हूँ तो ठंडा हुआ। चाय बना लेती हूँ और उसके बाद ही जो काम है मैं कर लूँगी। तो मैं इसमें चाय बना रही हूँ, सभा बनाती है, सभा काय में बनाती है तपेली में, और मैं बना रही इसमें। यहाँ देखिए यहाँ मेरी चाय अभी खौल रही है और अभी इसमें दूध डालना बाकी है, ये अभी मैं डाल दूँगी। और यहाँ मैं आप लोग को बता देती हूँ कपड़े जो मैंने अभी सुबह धोई थी, और इसका पानी वानी निकल गया है, यानी पानी निथर गया है, इसे फैलाना है मुझे। तो पहले मेरी चाय पी लूँगी, उसके बाद फिर मैं अपनी थोड़ी सी एनर्जी लाऊँगी, एनर्जी सभा की एनर्जी, और उसके बाद फिर मैं काम करने बैठूँगी, यानी कि कपड़े वगैरह फैला दूँगी। तो चलिए, अच्छा एक बात बोल बताना आप लोग कि बरसात में चाय पीने का एक अलग ही मज़ा होता है, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि होता है, मुझे तो पता नहीं, इसके लिए मैं आप लोग से पूछ रही हूँ। चाय पीने का मज़ा का मतलब कैसा, एक अलग ही अच्छापन लगता है। जैसे बारिश होती है और गरम गरम चाय पियो, एक अलग ही मज़ा लगता है, मुझे लगता है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। और ऐसा तो देखो हम लोग हमेशा ही, हम लोग क्या जैसे कैसे मतलब सुबह पीते हैं और शाम को पी लेते हैं, अगर ज़्यादा गर्मी वगैरह पड़े तो हम लोग नहीं पीते, बिल्कुल नहीं पीते। हाँ अभी ये जब से मैं ये वक्त मुझे नाश्ता वाश्ता बताना पड़ता है, जिसकी वजह से हम लोग गर्मी के टाइम चाय पी रहे हैं, वरना हम लोग गर्मी में नहीं पीते थे ना सुबह। लेकिन जब से यूट्यूब में आए हैं तो थोड़ा बहुत नाश्ते की वजह से बताना पड़ता है। हम लोग गर्मी में नहीं चाय पीते, दो टाइम एक ही टाइम पीते, लेकिन अभी क्या हो गया ना, अभी ऐसा हो गया कि हम लोग को नाश्ता चाहिए तो चाहिए, यानी हाँ एक से दो बार चाय पीते। और ये बारिश है, आप यकीन नहीं करेंगे सबके घर में कितनी बार चाय बन जाती है, लेकिन हम लोग वही दो टाइम अभी भी रखे, क्योंकि हम लोग आदत नहीं डालते। वैसे चाय कोई बुरी चीज़ नहीं, अच्छी है, पीना चाहिए, इसे थोड़ा सा फुर्तीपन भी रहता हमारे उधर आंगों में, यानी कि चाय पीना अच्छा है। लेकिन हम लोग कैसे मतलब सिर्फ दो टाइम के सिवा ज़्यादा पीते नहीं। अब मेरे घर में ऐसे बच्चे का हिसाब है और मैं बड़ी हूँ, तो मैं इसके लिए कम पीती हूँ कि मेरे वजह से बच्चे लोग को चाय की आदत ना पड़े, इसके लिए बस हम लोग दो ही टाइम पीते हैं। तो चलिए अभी कोको बाहर जाने की तैयारी कर रहा है, बारिश भी रुक गई है और यहाँ मेरी चाय रेडी हो रही है। तो चलिए फिर मैं आप लोग को मिलती हूँ नाश्ते के टाइम। हाँ नाश्ते में आज हम लोग का कुछ बाहर से नहीं आएगा, बस ये पाव रखा है और थोड़े से यहाँ पर बटर टंगे हुए हैं, क्योंकि ये चाय खोलने आ गई है। रुके बता, यहाँ चाय खोल रही थी तो थोड़ा स्लो कर देती हूँ चाय। तो आज जैसे कि नाश्ते में है ये क्रीम पाव, और क्योंकि सुबह नाश्ते में मंगाए थे तो बच गया है,
तो यही खा लेंगे। और यहाँ इतने सारे बटर पड़े हैं, तो बस आज इसी का नाश्ता करेंगे हम लोग, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, यानी कि भी चीज़ वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो है पहले खा के ख़त्म करना चाहिए, उसके लिए उसके बाद दूसरा लाना चाहिए। तो ये बहुत सारे बटर हैं। तो चलिए चाय मेरी तैयार हो रही है, फिर मैं आप लोग को मिलती हूँ ऊपर। ये देखिए, ये हमारी कड़क कड़क चाय तैयार हो गई है, और यह हमारा नाश्ता है। और यहाँ सबसे पहले सभा की बारी। आज सभा ने यहाँ से जगह बदली करके यहाँ आ गई। ये कभी भी इधर ही बैठती, खाना खाने भी इधर बैठती है ना सभा, सब काम के लिए वो उधर ही बैठती है, जमता है ऐसा। हाँ, आज सभा यहाँ बैठी है, और सोहेल तो अपनी जगह पे बैठा है, और सैब देखो क्या कर रहा है। सैब आप लोग को हाय हाय बोल रहा है, और उसका तो बिजी रहता वो कार्टून देखने में, या फिर क्या देखता, तारक मेहता। और बस अभी हम लोग चाय पी लेते हैं। चलिए आप लोग आइए हमारे साथ नाश्ता करने के लिए, चलिए चलिए आइए। तो चलिए, यहाँ हमारा नाश्ता हो गया है, अब मैं कपड़े निकाल लेती हूँ, ताकि ये कपड़े मैं घड़ी करके रख दूँ, तो मैं जो कपड़े धो के रखी हूँ नीचे वो मैं फैला लूँगी। तो बस ऐसे ही मेरा भी ऐसे ही काम चल रहा है। तो यहाँ मैं सोहेल को बोल रही थी, सोहेल मेरे को ऊपर से कपड़े निकाल के दे दे, तो सोहेल मुझे मेरी थोड़ी हेल्प कर रहा है, कपड़े निकाल के दे रहा है। तो मैं से पूछ रहा था, अम्मी आज क्या बनाएंगे, क्या लेकर आ जाओ। तो वैसे बारिश रुक गई थी, तो मैंने बोली देख कुछ भी मिल जाए पकाने का तो लेके आ जा। तो बच्चे लोग डिसाइड कर रहे थे कि आज अम्मी मसूरी पुलाव बना लो, तो मैंने बोली नहीं मुझे रोटी खाना है, लेकिन बच्चे लोग जब बोल रहे थे तो मैंने चलो कोई बात नहीं आज मसूरी पुलाव पका लेती हूँ। तो बस वो मैं उससे बोल रही थी कि तू जा जल्दी से ले आ सौदा, क्योंकि बारिश आ जाएगी। तो बस यहाँ पे मैं अपने कपड़े घड़ी करके रख दूँगी, और जो कपड़े मुझे सुखाना है वो मैं सुखा लूँगी। तो बस ऐसे ही अब जब से बारिश चालू हुई है कुछ ज़्यादा ही मैं परेशान हो रही कपड़े के लिए। कपड़े सूखते तो हैं, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है, जहाँ एक दिन लगता था पूरे दिन में मेरे कपड़े सूख जाते थे गर्मियों में, और उससे पहले ही सूख जाते थे, यानी टोटल गर्मी में एक दिन में तो सूख जाते थे, लेकिन अभी दो दो दिन में भी नहीं सूख पा रहे हैं। और वैसे मैं 24 घंटा पंखे चालू रख रही हूँ, जिसके वजह से हमें सर्दी वर्दी भी हो जाती है, लेकिन क्या करें कपड़े भी तो सुखाना है। तो बस अभी यहाँ पे मैं कपड़े मतलब क्या कहते हैं कपड़े घड़ी कर लेती हूँ, और गिले कपड़े में हैंगर में डाल दूँगी। अच्छा, मेरे को आपसे एक बात बोली है कि मुझे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था, उनने मुझसे बोले थे कि अब अपनी पूरे दिन की रूटीन बताइए। तो डियर, मैं आपके लिए ये रूटीन थोड़ी बहुत बता रही हूँ। तो वैसे तो मैं सुबह पानी का नहीं बता सकती, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, लेकिन हाँ पूरे दिन की मैं रूटीन बता रही हूँ। और बस मैंने इसमें खाने की आप लोग को नहीं बता रही हूँ, क्योंकि खाना हमेशा मैं बनाते हुए आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। बस मैंने इसमें खाने का वीडियो नहीं ऐड करूँगी, बाकी मैं जितना हो सके मैंने करने की कोशिश कर रही आप लोग के लिए। तो डियर, आप लोग के जो भी कमेंट रहते हैं मुझे अच्छे लगते हैं पढ़ने पे। तो बस आप लोग मुझे कमेंट अच्छे अच्छे करिए, और मेरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दिया करो। और बस मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ, लेकिन आप लोग के कमेंट नहीं आते हैं। तो आप लोग के कमेंट से मुझे इतना मतलब अच्छा लगता है, जब भी हम लोग कमेंट पढ़ते हैं तो हम लोग के दिल को सुकून मिलता है, और पता चलता है कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। लेकिन मैंने आपसे बहुत बार भी रिक्वेस्ट करी कि आप लोग कमेंट कर दिया करो अच्छे अच्छे, तो माशाल्लाह है करने वाले करते हैं, लेकिन बहुत कम कमेंट आते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो बस यहाँ अभी जो मेरे काम थे बर्तन वगैरह चाय के थे, वो सब मैं उठा लेती हूँ। तो आज है नेक्स्ट डे, कल मैंने अपना ब्लॉग पूरा नहीं कर पाई थी, इसके लिए मैं आज कर रही हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है और बज रहे हैं 7:15। तो मेरा पानी वगैरह सब मैंने भर लिए, कपड़े धो ली, और बर्तन भी जो थे थोड़े बहुत वो धो ली, झाड़ू पोछा सब हो गया है। और मैं और सभा अभी जा रहे हैं नाश्ता करने,
तो मैंने नाश्ते में आज बनाई थी पराठे, तो उसका वीडियो मैंने नहीं ली क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता है वीडियो, इसके लिए मैंने वीडियो उसका नहीं ली। तो अभी मैं सुबह नाश्ता करेंगे, सोहेल अभी सो रहा है क्योंकि कुछ लाना नहीं था सौदा, इसके लिए मैंने उसको नहीं उठाई, वरना वो हम लोग के साथ ही उठ जाता और नाश्ता भी हमारे साथ ही सुबह कर लेता। तो फिलहाल मैं और सुबह नाश्ता कर लेते, और आप देख सकते हैं बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसके लिए मैं दरवाज़ा उठाई हूँ, और आप देख सकते मेरा मुँह भी अभी नींद में से उठा उठा है क्योंकि अभी मैं जस्ट काम करके उठी हूँ, मैं नहाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि इतनी बारिश हो रही ना, इसकी वजह से मुझे बहुत ठंडी लग रही थी। तो मुझे जान दे सुबह अभी मैं दोपहर में नहा लूँगी, तो फिर अभी मैं नहीं नहाई, अब मैं दोपहर में नहाऊँगी तो आपको मैं वही मैक्सी में दिख रही होंगी, वही कपड़े में दिख रही होंगी। तो चलिए फिर नाश्ते का मैं आप लोग को बता देती हूँ। सुबह हो गया नाश्ता, निकाल दे तो यहाँ पे सुबह को बता देती आप। हाँ देखिए सुबह नाश्ता निकाल रही है, और यहाँ हमने पराठे बनाए, ये देखिएगा माशाल्लाह कितने मस्त लग रहे पराठे, तो गर्मा गर्म पराठे हैं। और यहाँ सुबह चाय निकाल रही है, और मैं बैठ जाती हूँ। सुबह वो कहाँ पे है? चटाई ढूंढ रही हूँ मैं, जे है चलिए चटाई बिछा दे रहे, तो चटाई मिल गई क्योंकि ज़मीन बहुत ठंडी है, इसके लिए मैं चटाई में बैठूंगी। तो चलिए आप लोग को मिलती हूँ मैं नाश्ते के टाइम। तो ये देखिए ये मेरा नाश्ता है, सुबह ने निकाल लिए, ये है चाय गर्मा गर्म, और ये है पराठे। तो चलिए मैं अभी नाश्ता कर लेती हूँ, आप लोग भी आइए मेरे साथ नाश्ता करने। तो चलिए मेरा नाश्ता हो गया है और बच्चे लोग अभी सो रहे हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था, आप लोग को कैसा लगा मुझे बताना, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। फिर मैं आप लोग को मिलूँगी अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।